पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसी प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ में। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार प्रभु ने हम सबों को उसके पवित्र मंदिर में आने का सौभाग्य प्रदान किया है और आज के इस प्रातः काल में हम सभी प्रभु के द्वार में आए हैं उस प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए, उसका जयजयकार करने के लिए, क्योंकि वो महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसंपन्न है, सर्वव्यापी है। वो हम सबों से बेहद प्यार करता है। इस आगमन के समय में प्रभु हमें बताता है कि प्रभु का स्वभाव कैसा है। प्रभु दया से द्रवित होने वाला वो ईश्वर है, वो तरस का आने वाला वो प्रभु है, वो हम सभी मनुष्यों पर तरस का आता है, हम सबों पर दया दिखाता है। इसलिए आज के पहले पाठ के द्वारा प्रभु हमें बताता है जब प्रभु हम पर दया दिखाता है वो दया के कार्य हमारे साथ करता है, हमारे लिए हर प्रकार के इंतज़ाम करता, प्रबंध करता है। उसी प्रकार से आज के सुसमाचार के द्वारा हम सुनते हैं प्रभु दया से द्रवित होकर तरस खाकर लोगों को अलग अलग प्रकार के आशीर्वाद, अलग अलग प्रकार के कार्य लोगों के जीवन में करते हैं। साथ ही साथ प्रभु हम सबों को आज के सुसमाचार के द्वारा हमें बताते हैं वही दया के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु ने हम सबों को चुना है। हम सबों को उस दया के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से प्रभु का संदेश वाहक बनने के लिए प्रभु निमंत्रण देता है और संदेश वाहक बनने के लिए ज़रूरी बातें यह हैं कि हमारा ध्यान प्रभु पर केंद्रित हो, प्रभु के वचनों पर केंद्रित हो और किसी बात पर, किसी ताकत पर, शक्ति पर केंद्रित ना हो, ना ही स्वयं के बलबूते पर, बल्कि उस प्रभु पर निर्भर रहते हुए कार्य करने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं, हिदायत देते हैं। प्रभु को धन्यवाद दें प्रभु के बुलावे के लिए। इस आगमन के समय में हम अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें, प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें, ताकि प्रभु हमें उस अनुग्रह को, उस आशीषों को भर दें जिससे कि हम प्रभु की योजना के मुताबिक कार्य कर सकें। आइए इसमें संविधान में योग रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब सदगुरुओं, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करते हुए हम सबों को अनंत जीवन प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू दयालु ईश्वर है, हम बड़ी उत्कंठा से तेरे पुत्र के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। संसार की कोई भी वस्तु हमें ना रोके, हम सबों को ऐसी दिव्या ज्ञान दे कि हम तेरे पुत्र के जीवन के सहभागी बने। वे ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 19 से 21, 30 से 26 तक। इसराइल का परम पावन प्रभु ईश्वर ये कहता है, यरूशलेम में रहने वाली सिय्योन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा। प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा, तुम अपने आँखों से उसके दर्शन करोगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो वह तुम्हें पीछे से ये वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यही है, इस पर चलते रहो। वह तुम्हारे बोए हुए बीजों को वर्षा प्रदान करेगा और तुम अपने खेतों की भरपूर उपज से पुष्टिदायक रोटी खिलाओगे। उस दिन तुम्हारे चौपाए विशाल चारा गांव में चरोगे। खेतों में काम करने वाली बैल और गधे सूप और डालिया से फाटी हुई नमक मिली हुई भूसी खाओगे। महावत के दिन जब गढ़ तोड़ दिए जाएंगे तो हर एक उतंग पर्वत और हर एक ऊंची पहाड़ी से उमड़ती हुई जलधाराएं फूट निकलेंगी। जिस दिन प्रभु अपने प्रजा के टूटे हुए आंगों पर पट्टी बांधेगा और उसके चोटों के घावों को चंगा करेगा, उस दिन चंद्रमा का प्रकाश सूर्य की तरह होगा और सूर्य का प्रकाश 7 दिनों के सम्मिलित प्रकाश के सदृश 7 गुना प्रचंड हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संतमति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु सभागृह में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहा की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। यीशु ने इन 12 को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते या उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, मनुष्य के मन में हमेशा एक सवाल रहा कि वह ईश्वर कौन है और वह कैसा है, उसका स्वभाव क्या है, किस प्रकार है। इस प्रकार के अलग अलग सवालों को लेकर लोग जीते हैं और इन सवालों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। पवित्र बाइबल हमें इन सभी सवालों का उत्तर देता है। वो सच्चे ईश्वर की परिचय देता है, उसका स्वभाव बताता है। मुख्य रूप से आज के सुसमाचार के द्वारा बताया गया है, लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया। He had compassion on them. Our God is compassionate God. तरस खाने वाला वह ईश्वर है, लोगों पर तरस खाता है। एक कंपैशन या फिर तरस खाना प्रेम से और बढ़कर है, या प्रेम की गहराई हम बता सकते हैं। ईश्वर इंसान पर तरस खाता है, वो उनके लिए सब कुछ करता है, हर प्रकार का इंतजाम करता है, हर प्रकार का प्रबंध करता है। जिस प्रकार से हम सुसमाचार में सुनते हैं, उन पर तरस आया क्योंकि वे बिना चरवाह की तरह भेड़ों की तरह थके बांधे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, हर तरह की बीमारी दूर कर दी, दुर्बलता दूर कर दी, सब नगरों में गाँव में घूमते फिरते लोगों को आशीर्वाद दिया। यह है ईश्वर का कार्य। जब ईश्वर इंसान पर तरस खाता है, ईश्वर इंसान के पास जाता है, उस बीमार लोगों के पास जाता है, उस दुखी लोगों के पास जाता है, परेशान लोगों के पास जाता है, उन्हें आशीर्वाद देता है, उन्हें छुटकारा देता है, उन्हें छंगाई देता है। ये ईश्वर का कार्य है। वो ईश्वर हम सबों के साथ यही करता है क्योंकि वो हम सबों पर तरस खाता है। He has compassion on us. He is a compassionate God. वो हम सबों पर दया दिखाता है, अनुकंपा दिखाता है और अनुग्रह बरसाता है। आज की पहले पाठ हमने सुना, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। वो तुम्हारी प्रार्थना सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा, क्योंकि वह हम सबों से बेहद प्यार करने वाला वो ईश्वर है, दया दिखाने वाला वो ईश्वर है, हम पर तरस खाने वाला वो ईश्वर है। इसलिए हमारी पुकार सुनते ही हमारी सहायता करने के लिए वो दौड़ आता है। यहाँ पर लिखा है, इज़राइल का परम पावन प्रभु ईश्वर यह कहता है, यरूशलेम में रहने वाले सिय्योन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे आंसुओं को पोंछने के लिए तुम्हारे पास आने वाला है। आगमन के समय में प्रभु हमें बताता है, वह ईश्वर हम सबों के आंसुओं को पोंछने के लिए हमारे पास आ रहा है। प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु ने उन्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अवश्य अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों में सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। यानी कि वो ईश्वर निरंतर हम सबों के साथ है। हम जरा दाएं या बाएं हो जाएं, हल्का पुल्का भटक भी जाएं, तुरंत तो हमें अपने मार्ग के बारे में याद दिलाएगा। यानी कि वो ईश्वर कितना हम सबों से प्यार करता है, कितना तरस खाता है, हम सभी उस ईश्वर के नज़र में कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को हम समझ सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आगमन के इस काल में हम उस प्रभु के पास जाएं और उस प्रभु का हमारे दिल में स्वागत करें। प्रभु का आगमन होने दें हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे दिल में, हमारे मन में। यीशु का आगमन होने दें, और जहाँ जहाँ यीशु का आगमन होता है वह हर प्रकार के बंधन खुल जाते हैं। जिस प्रकार से सुसमाचार में हम सुनते हैं, यीशु ने इन 12 को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। यानी कि वो ईश्वर खोजने के लिए इस धरती पर आया और हम सबों को बताता है, वो खोज करना चाहता है उन भेड़ों की जो खो गए हैं, उनसे दूर चले गए हैं, झुंड से बिछुड़ गए हैं, अलग हो गए हैं, उन सबों को बुला रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोग अनेक कारणों से चर्च छोड़ गए हों, चर्च छोड़ के दूर चले गए हों, चर्च नहीं आते हों, मिस्सा बलिदान में नहीं आते हों, प्रार्थना में नहीं आते हों। आगमन के समय में प्रभु हमें बताता है, खोई हुई भेड़ों के पास जाओ, उन्हें ढूंढ निकालो, उन्हें वापस लाओ, उसे झुंड में लाओ। देखिए प्रभु की दया कहाँ तक है, वो किस हद तक तरस का आता है, इस बात से हम समझ सकते हैं। ही इज गोइंग out of his way in search of the sinners, पापियों की खोज करते हुए वो जाता है। वो ईश्वर हम सबों की खोज करते हुए इस धरती पर आया, और इस आगमन के समय में हमें याद दिलाता है कि उसने हमें क्या किया है। अगर हम इस बात को याद करें, याद रखें, वो ईश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, मैं निश्चित रूप से उसके बताए हुए मार्ग पर चल पाऊंगा। हम प्रभु से प्रार्थना करें, आगमन का यह समय, कृपाओं का यह समय, अनुग्रह का यह समय हम सबों को बहुतायत से आशीष प्रदान करें, ताकि हम प्रभु के साथ जुड़े रहें, प्रभु के साथ बने रहें। वही प्रभु हमारी सहायता करें, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, यह चढ़ावा कृपा पूर्वक ग्रहण कर, यह तेरा ही दान है, जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर भक्ति के लिए दिया है, वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्साह से कर रहे हैं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। मिस्सा बलिदान का सर्वोत्तम समय है, परिवर्तन का समय है, बदलने का समय है। यह रोटी, गेहूं से बनाई हुई यह रोटी यीशु के शरीर में बदल जाएगी। दाख का रस यीशु के लहू में बदल जाएगा। इसलिए हम इस वक्त विशेष रूप से प्रार्थना करें उस पवित्र आत्मा से जो सब कुछ नया बनाता है, बदलता है, परिवर्तित करता है। उस पवित्र आत्मा से हम विनती करें कि वह हम सबों को बदल दें, हम सबों को नया बनाएं। विशेष रूप से हमारे अंदर किसी प्रकार का घमंड है, अहंकार है, उसको विनम्रता से बदल दें। किसी के प्रति नफरत है, गुस्सा है, घृणा है, उसको प्रेम से बदल दें ताकि हम सभी नए हो जाएं। उस पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें। अपने हाथों को खोलें, आंखों को बंद रखें, पवित्र आत्मा को पुकारें। हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ आओ, तुम आत्मा बदलो इस रोटी को, आओ तुम आत्मा बदलो इस रोटी को, आओ तुम आत्मा बदलो दाखरस को, आओ तुम आत्मा बदलो दाखरस को, आओ तुम आत्मा बदलो हम सबको, आओ तुम आत्मा बदलो हम सबको, आओ तुम आत्मा बदलो संसार को, आओ तुम आत्मा बदलो संसार को। हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ। हे परमपिता तू वास्तव में पवित्र है, यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करें, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीओ, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्ति प्रदुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हम इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्निशियस और सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सब को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर प्रभु ने सिखाए हुए सुंदर प्रार्थना को बोलें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी प्रकार के बुराइयों से, बुरे सोच से, बुरे विचारों से, बुरी बातों से, बुरे संगतियों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग, बीमारी, तनाव, चिंता, समस्या, दुर्घटना, आलस्यपन, निराशा और घमंड से हम सबों को सदा ही बचाए रख, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे प्रभु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें, और आपके आत्मा के साथ भी। परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु, ईश्वर का मेमना, जो हम सबों के पापों के लिए बलि बन गया था, हमारे पापों को अपने ऊपर लेते हुए, पापों की सजा भोगते हुए, पाप को, जो पाप का वेतन मृत्यु है, उस मृत्यु को समाप्त किया। अपने पुनरुत्थान के द्वारा हम सबों के लिए जीवन का द्वार खोल दिया। उस मेमने को देखिए। धन्य हम सभी जो उसके इस भोजन के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तू मेरा सर्वस्व है, जीवन का आधार है। तू मेरा सर्वस्व है, जीवन का आधार है। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारे लिए हितकर हो। इसके द्वारा तो हमें ऐसी शिक्षा दे कि हम नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए भी अनश्वर एवं स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करें तथा उन्हीं में अपना मन लगाए रहें। हम यह प्रार्थना करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति और प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।